जमैका के दिग्गज रनर उसैन बोल्ट अपने साथी खिलाड़ी की वजह से डोपिंग मामले में फंस गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना एक गोल्ड मेडल भी लौटाना होगा और इस वजह से खुद का बनाया हुआ उनका रिकॉर्ड भी टूट गया। दरअसल खेल पंचायत न्यायालय यानी CAS ने बोल्ट के साथी धावक नेस्टा कार्टर, जिनका बीजिंग ओलंपिक के दौरान लिया गया था डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, उनकी अपील को ठुकरा दिया गया है। इस वजह से उस रिले रेस में कार्टर के साथ शामिल हुए बोल्ट को अपना 9वां स्वर्ण पदक गंवाना होगा। CAS पैनल द्वारा दिए गए एक बयान में कहा गया, बीजिंग ओलंपिक डोप मामले में जांच परिणामों पर ध्यान न दें और कुछ विफलताओं के लिए IOC के निर्णय को हटाए जाने के मामले में कार्टर द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बीजिंग ओलंपिक की 4x100 मीटर रिले रेस में कार्टर ने दौड़ की शुरुआत की, जिसके बाद तीसरी बारी में बोल्ट ने बैटन अपने बात में लेकर इस रेस को 37.10 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा साल 2016 में लिए गए बीजिंग के ताजा नमूनों में कार्टर को डोप का दोषी पाया गया। इस कारण जमैका की टीम को इस स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। कार्टर की अपील के बावजूद CAS ने इस अयोग्यताओं को बरकरार रखा और ऐसे में अब त्रिनिदाद एवं टोबैगो की टीम को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इसके अलावा IOC जापान को रजत और ब्राजील को कांस्य पदक से नवाजेगी। इस फैसले की वजह से बोल्ट के बेहतरीन ओलंपिक करियर में भी दाग लग गया। उन्होंने 100 मीटर 200 मीटर और 4x100 मीटर रेसों में लगातार 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, जो अब इस मामले की वजह से टूट गया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।